कौन है? वो वापस आ गया, वो खूनी वापस आ गया। सभी जंगल वासी छुप जाओ, अब की बार वो और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आया है, और तो और उसके साथ एक जहरीली सेना भी है। मेरा सभी जानवरों से निवेदन है कि कोई भी जानवर अपनी गुफा से बाहर ना निकले, वरना वो उसका शिकार बन जाएगा। सब जंगलवासी जब भालू की बात सुनते हैं, तो वो भी अपने घरों की ओर दौड़ते हैं। उधर तेज तूफान के साथ धूल को चीरता हुआ एक विशाल बाघ जंगल की ओर बढ़ता हुआ चला रहा था, और उसके साथ एक जहरीली सेना थी। आज इन सभी का मरना तय है, इन्होंने सालों पहले मुझे इस जंगल से जलील करके निकाला था। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेना इन्हें कितना भारी पड़ेगा। संतागढ़ वासियों, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ और अपने ऊपर जाने की तैयारी पकड़ लो। अब मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वो गब्बर शेर भी नहीं। अब इस जंगल पर सिर्फ बाला राज करेगा, और इस पूरे जंगल पर बाला बाघ का राज होगा। बाला बाघ तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था, और उधर जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ गए थे, लेकिन बाला बाघ का कहर इतना था कि वो अपने मुंह से आग उगल रहा था, और पूरे जंगल को उसने आग से रोशन कर दिया था। गब्बर शेर महाराज, वो आ गया और उसने जंगल को तहस नहस कर दिया, महाराज। आखिर कौन आ गया गाय बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, हमारा सालों पुराना दुश्मन बाला बाघ आ गया, अब हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो हाथी जैसा विशाल शरीर लेकर वापस आया है, और कितनी ही जंगलवासी उसका निशाना बन गए हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम सभी जंगलवासियों को सुरक्षित जगह पर जाने का बोल दो, मैं उसे देखता हूँ और रोकने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जंगल को संभालो और उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाओ। गब्बर शेर तेजी से जंगल में जाता है, और वह उसे दूर से देखता है। ये क्या बोला है, मैंने जब इसे जंगल से निकाला था तब तो ये ऐसा नहीं था, फिर आज ये कौन सा रूप है इसका? मुझे भालू बाबा के पास जाना होगा। आखिर कौन है ये बाला बाघ जिसकी गड़गड़ाहट से सारा जंगल कांप उठा, और उसका खौफ जंगल के जानवरों में इतना ज्यादा है कि सभी जंगलवासी इसके खौफ से कांप रहे हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल आज से कई वर्षों पहले बाला बाघ संतागढ़ जंगल में ही रहा करता था। उसकी एक अलग ही दुनिया थी, वह सारे काम ही गलत करता था और जंगल के जानवरों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। जंगल के सभी जानवर उसके गुलाम बनते चले जा रहे थे, और उन सभी जानवरों की एक अलग ही दुनिया बनती चली जा रही थी। अगर उन जानवरों को एक दिन भी ड्रग्स नहीं मिलती तो वो जानवर पागल हो जाते थे। इसीलिए सभी जानवर बाला बाघ के गुलाम बन रहे थे, और बाला बाघ भी अपने इस काम से बहुत खुश था, और वो हर रोज लाखों का कारोबार ड्रग्स बेचकर किया करता था और मजे की जिंदगी गुजार रहा था। गब्बर शेर उस जंगल का राजा था, और जब गब्बर शेर को बाला बाघ के इस कारोबार के बारे में पता चलता है तो गब्बर शेर बाला बाघ के पास जाता है। अरे बाला, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जंगल के सभी जानवरों को नशेड़ी बना दिया, वो पूरा दिन नशे में रहते हैं और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वो ना जाने कहां से इतने पैसों का इंतजाम करते हैं और अपने बीवी बच्चों को मारते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब करके? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं जो कर रहा हूँ ये सब मेरा मैटर है, इसीलिए तुम तो रहने ही दो और मुझे मत समझाओ, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? अरे ऐसे क्या, मैं तो कैसे भी नहीं मानूंगा। चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं मानता तुम्हें राजा वाजा, निकलो जल्दी करो। बाला बाघ गब्बर शेर को बेइज्जत करके अपनी गुफा से निकाल देता है, और गब्बर शेर अपने जंगल को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन बाला बाघ इस बीच जंगल में तबाही मचा देता है, और वह अब जंगल के जानवरों को ड्रग्स सप्लाई करने के साथ साथ जंगल के जानवरों को मारने लगता है,
और जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। दिन बीतने के साथ बाला बाग का खौफ जंगल के जानवरों में बढ़ने लगता है और वह उसके नाम से भी कांपने लगते हैं। और इस बीच गब्बर शेर अपनी सेना तैयार करता है और एक सुबह वह अपनी सेना को लेकर बाला बाग की गुफा पर पहुंचता है और वहां जाकर गब्बर शेर बाला बाग को ऊपर लटका देता है और उसके सिपाही बाला बाग की खूब पिटाई करते हैं और उसे अधमरा करके छोड़ जाते हैं। गब्बर शेर के जाने के बाद वहां बाला बाग के गुलाम आते हैं और वह अपने नशे की हड़प में बाला बाग को वहां से उतारते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। 2-3 दिन अच्छे से बीतते हैं और गब्बर शेर को लगता है कि बाला बाग उनके जंगल को छोड़कर चला गया है, लेकिन उन्हें आने वाली मुसीबत का क्या ही पता था कि बाला बाग इतना ज्यादा ताकतवर बनकर जंगल में आएगा। उधर बाला बाग के गुलाम उसे एक खंडर गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। वह खंडर गुफा एक शैतानी गुफा थी। जैसे ही बाला बाग थोड़ा ठीक हो जाता है और वह उस गुफा से बाहर आने लगता है तो उसका शरीर अचानक से बड़ा बन जाता है और उस गुफा से आवाज आती है, जाओ और इस गब्बर शेर से अपना बदला पूरा करके आओ। ये बड़ा शरीर तुम्हारे पास इतना तक रहेगा जब तक तुम उस गब्बर शेर से अपना बदला पूरा नहीं कर लेते। उसके बाद तुम्हारे पास से ये सब गायब हो जाएगा। जाओ जल्दी करो। बाला बाग ये सब देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है अब उसका बदला पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है और बाला बाग उस गुफा से ये बड़ा शरीर और जहरीली सेना को लेकर जंगल में वापस आता है और उस पूरे जंगल को तबाह कर देता है। गब्बर शेर बेचारा बहुत परेशान था और वो अपनी परेशानी लेकर भालू बाबा के पास जाता है। वहाँ भालू बाबा तपस्या कर रहे थे और गब्बर शेर जाकर भालू बाबा को सारी बात बताता है। अब भालू बाबा गब्बर शेर को एक जादुई ताज देते हैं और बोलते हैं, सुनो गब्बर शेर, ये जादुई ताज उसे जलाकर भस्म कर देगा। बस तुम्हें करना ये है कि जब वो बाघ जंगल में आए तो तुम चुपके से इस ताज को वहां रख देना, फिर ये जादुई ताज उसे खुद देख लेगा। चलो जाओ यहां से। अब गब्बर शेर उस जादुई ताज को लेकर अपने जंगल वापस आता है और शाम होने पर जब बाला बाग फिर से जंगल में वापस आता है और जंगल में तबाही मचाने लगता है तो गब्बर शेर चुपके से उस जादुई ताज को वहां लाकर रख देता है। अब जैसे ही बाला बाग जंगल के जानवरों पर प्रहार करने लगता है तो उस जादुई ताज से कुछ शक्तियां आने लगती है और वह रंग बिरंगी शक्तियां उस बाला बाग और उसकी जहरीली सेना को जलाकर राख कर देती है। गब्बर शेर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह सभी जंगल वासियों को जाकर ये खुशखबरी सुनाता है। जंगल के सभी जानवर भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब गब्बर शेर वापस पहाड़ी वाले भालू बाबा के पास जाता है और वहां जाकर वह भालू बाबा का शुक्रिया करता है और उसे वह जादुई ताज वापस करके अपने जंगल वापस आता है। अब उसके जंगल से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी जंगलवासी खुशी खुशी जंगल में रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए और पैसे के लिए किसी की जिंदगी को दांव पर भी नहीं लगाना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। जंगल से कुछ दूर एक नदी हुआ करती थी। अक्सर ही जंगलवासी उस नदी से तैर कर दूसरे जंगल जाते थे। वो नदी दो जंगलों में जाने के लिए एक दीवार की तरह थी। अगर जंगलवासियों को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता था तो वह उस नदी को पार करके दूसरे जंगल पहुंचते थे, लेकिन उस नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। अक्सर ही उस नदी को पार करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी, क्योंकि उस नदी में कुछ लुटेरे शेर रहा करते थे और जब भी उस नदी से कोई जानवर पार होकर दूसरे जंगल जाने की कोशिश करता था
तो वह शेर भाई उन्हें लूट लिया करते थे और उन्हें जान से मार डालते थे। अगर कोई जानवर उनके मन मुताबिक उन्हें वो सब चीजें दे दिया करता था तो वह उसे छोड़ देते थे। ऐसे ही उन दोनों भाइयों ने ना जाने कितने जानवरों को लूट कर मार डाला था और आगे भी कितने ही जानवर उनका शिकार बनने वाले थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल से एक गाय अपने ऊपर भार उठाती हुई उस नदी को पार करने लगती है। वो बेचारी डरते डरते उस नदी को पार कर रही थी, तभी वो दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाती हैं और उसे लूट लेते हैं। गाय बेचारी इतना तक कुछ बोलती है, वो गब्बर और हीरा उसे मार डालते हैं और उसके बक्से को लेकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में आकर बोलते हैं, लगता है आज तो कुछ बड़ा हाथ लगा है हमारे। हाँ भाई, बहुत बड़ा बक्सा है ये तो। अब वो दोनों भाई मिलकर उस बक्से को खोलते हैं, पर उस बक्से से उन्हें कुछ लकड़ियां और एक खत मिलता है। उस खत को पढ़कर वो दोनों भाई सुन हो जाते हैं और वो एकदम से भागती हुई उस गाय के पास जाती हैं। लेकिन तब तक वो गाय अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। भाई, ये हमने क्या कर दिया? शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका था, पर अब क्या करेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरूर ये गाय कुछ ना कुछ जानती थी, तभी तो इस खत में ये सब बातें लिखी थी। हाँ भाई, हमें देखना चाहिए कि ये गाय किस जंगल से आई थी, लेकिन फिर भी हम क्या ही पता लगा पाएंगे। हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। आखिर क्या था इस खत के पीछे का राज और इस खत में ऐसा क्या लिखा था जो कि इन दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए? चलिए जानते हैं। कुछ सालों पहले वृंदावन और गोदावर नाम की दो जंगल साथ साथ हुआ करते थे। उन दोनों जंगल के बीच में बस एक नदी का फासला था। वृंदावन जंगल की रानी एक शेरनी थी और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी, और गोदावर जंगल का राजा एक शेर था। गोदावर जंगल का राजा भीमा शेर वृंदावन जंगल को हासिल करना चाहता था और वह उन दोनों जंगलों पर अकेला ही राज करना चाहता था। एक दिन वृंदावन जंगल की महारानी दो बेटों को जन्म देती है। जब गोदावर जंगल के राजा भीमा शेर को यह सूचना मिलती है कि वृंदावन जंगल में दो शेर भाइयों ने जन्म लिया है, तो उसे अपने प्लान खत्म होते हुए नजर आते हैं और वो शेरनी और उसके बेटों को मारने का प्लान बना लेता है। और कई दिन बीत जाने के बाद शेरनी ना जाने कहां गायब हो जाती है और वो दोनों भाई अपनी माँ को पूरे जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन वह तब भी अपनी माँ का पता नहीं लगा पाते हैं। अपनी माँ को जंगल में ढूंढने के बाद वो दोनों भाई थक हार कर अपनी गुफा में आने लगते हैं। तब एक भालू उन्हें मिलता है और वह बोलता है, छोटू, मैंने रानी शेरनी को पहाड़ी के पास मरा हुआ देखा था, तुम मेरे साथ चलो। भालू की बात सुनकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां से शेरनी की लाश भी गायब हो जाती है। अब उन दोनों को यकीन होने लगता है कि शायद उनकी माँ को किसी ने मार दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ये हरकत किसने की है। दिन बीतते हैं और वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपनी माँ की मौत का गुस्सा आज तक भी कम नहीं हुआ था और वो दोनों भाई इन दोनों जंगलों को बर्बाद करने का प्लान बना लेते हैं और वो अब उन दोनों जंगलों से आने वाले जानवरों को लूटना शुरू कर देते हैं। और आज जब उन दोनों भाइयों को गाय का वो खत मिलता है, उसे देखकर वो दोनों जैसे सुन हो जाते हैं। भाई, उस खत में लिखा था कि हमारी माँ जिंदा है, लेकिन वो आखिर कहाँ है ये हमें नहीं पता। इस गाय को जीना होगा, मुझे लगता है इसकी सांसें अभी चल रही है। हम इसे यहाँ से लेकर चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। अब वो दोनों भाई उस गाय को अपनी गुफा पर लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। दो तीन दिन बीत जाते हैं और उस गाय के जख्म अब भरने लगते हैं और दो तीन दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो दोनों भाई गाय से पूछते हैं, गाय आंटी, आपके बक्से से हमें खत मिला था जिसमें लिखा था कि शेरनी जिंदा है, क्या आप हमें उस खत का राज बता सकती है? हाँ बेटा, भीमा शेर ने दोनों जंगलों पर अपनी हुकूमत कर ली है और कोई भी जानवर अब अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सकता है।
मैं छुपते छुपाते जंगल से निकल कर आई। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खत लिख कर लाई थी कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो शायद तुम ये खत पढ़ लो। गाय आंटी, हमें माफ कर दो और हमारी माँ के बारे में हमें बता दो। बेटा, तुम्हारी माँ को उस भीमा शेर ने कैद किया हुआ है और वो हर रोज तुम्हारी माँ पर जुल्म करता है। अब तो तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो गई है। मैंने एक दिन देखा था वो तुम्हारी माँ को इतना मार रहा था और वो रानी शेरनी को कई कई दिन तक खाना भी नहीं देता है। ना जाने उसे रानी शेरनी से ऐसा क्या चाहिए। ये सब सुनकर उन दोनों भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता है और वो दोनों भाई दौड़ते हुए भीमा शेर के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर उससे अपनी माँ का पता पूछते हैं। तुम्हारी माँ, उसे तो मैंने मार दिया। उसने मुझे वो सब नहीं दिया जो मुझे उसे चाहिए था। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही रानी शेरनी को तुम्हारी गुफा में देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर देखा है तो पता भी लगा लो, वो आखिर है कहाँ। मैं तो नहीं बताऊंगा। भीमा शेर का यह बर्ताव उन दोनों भाइयों को बहुत गंदा लगता है और वो दोनों भाई उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अब भीमा शेर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ को मैंने पहाड़ी के पीछे कैद किया हुआ है, तुम वहाँ पहुँच कर अपनी माँ को आज़ाद कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब वो दोनों भाई जल्दी से भागकर पहाड़ी के पास आते हैं और वहाँ अपनी माँ की हालत देखकर उन दोनों भाइयों की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी माँ को वहाँ से लेकर फिर से उस जालिम भीमा शेर के पास आते हैं और अब वह अपनी माँ के सामने ही भीमा शेर को मार डालते हैं। अपने बेटों को देखकर रानी शेरनी बहुत खुश होती है और अब वो रानी शेरनी को अपने जंगल वापस लेकर आते हैं। रानी शेरनी बरसों बाद अपने जंगल को देखकर बहुत खुश होती है। सभी जंगलवासी शेरनी का स्वागत करते हैं और अब वो सभी मिलकर रानी शेरनी का ख्याल रखते हैं। माँ, उस भीमा शेर को आपसे आखिर क्या चाहिए था जो उसने आपके साथ ये सब किया। बेटा, मेरे पास तुम्हारे बाबा की दी हुई एक जादुई मणि है जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा है। वो चाहता था कि उसे वो जादुई मणि मिल जाए और वो उसकी शक्तियों से जंगल का सर्वनाश कर दे, लेकिन मैंने आज तक उसे उस जादुई मणि का नहीं बताया, इसीलिए उसने मुझे आज तक जिंदा भी रखा, वरना वो तो मुझे उसी दिन मार डालता। माँ, आपने बहुत अच्छा किया, उसे उस मणि का पता नहीं बताया, वरना वो तो जंगल का सर्वनाश ही कर देता। अब रानी शेरनी कुछ ही दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और वह अपने दोनों बेटों को वृंदावन और गोदावर जंगल का राजा बना देती है और सभी जंगल वासियों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। जंगल में बहुत जोरों के आंधी तूफान के साथ जंगल में बाढ़ का पानी भी भर गया था। हर तरफ जंगल के जानवर पानी के अंदर बहते चले जा रहे थे और जंगल में चीख पुकार मची थी। एक तरफ सभी जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर निकलने की कोशिश में लगे थे और वहीं दूसरी ओर जंगल का राजा बद्रीनाथ शेर बहुत परेशान था, क्योंकि अचानक से उसकी पत्नी संगीता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे परसों पीड़ा होने लगती है और जंगल में इतना पानी भर चुका था कि कहीं से निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बद्रीनाथ शेर ना जाने कहां से जाकर एक कश्ती लेकर आता है और शेरनी को उसके अंदर लेटाकर आधी तूफान से जूझता हुआ एक लेडी भालू के पास लेकर जाता है। लेडी भालू जब शेरनी को देखती है तो वह बोलती है, शेर महाराज, शेरनी जल्द ही माँ बनने वाली है, मैं देखती हूँ, आप प्लीज यहीं रुके। अब लेडी भालू शेरनी का इलाज करती है और शेरनी कुछ ही देर बाद एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है जो कि एक खूबसूरत और जादुई बच्चा था। उसका शरीर
रात के अंधेरे में लाइट की तरह चमक रहा था। शेर और शेरनी जब अपने बेटे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वह दोनों उसे लेकर दूर जंगल में जाकर एक सुनसान जगह पर रहने लगते हैं। अगली सुबह होती है और लेडी भालू पूरे जंगल में खबर फैला देती है कि रानी शेरनी के यहाँ एक जादुई बच्चे का जन्म हुआ है। सभी जंगलवासी सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। शेरनी इतनी जल्दी माँ कैसे बन गई? नहीं गाय बहन, मैं सच बोल रही हूँ। तभी तो राजा शेर उसे यहाँ से लेकर जैसे गायब हो गए। सुबह में जब उनकी गुफा पर शेरनी और उनके बेटे को देखने पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि राजा शेर ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। उन सभी जानवरों की ये सब बातें सुनता हुआ एक बाघ वहाँ आता है और वह आकर बोलता है, अरे जंगल वासियों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे राजा बद्रीनाथ शेर ने जंगल में भेजा है। दरअसल उनका बेटा बीमार है और वो उसे लेकर किसी दूसरे जंगल में उसका इलाज कराने के लिए गए हैं। और उन्होंने मुझे बोला है कितना तक मैं वापस ना आऊं, मुझे इस जंगल का ख्याल रखना है। सभी जंगलवासी बाघ की कही बातों को सच मान लेते हैं और वो उसे अपने जंगल की राज गद्दी के पास लेकर जाते हैं। अब बाघ उस जंगल पर राज करने लगता है और वह अपनी चालाकी पर खुश भी बहुत होता है। लेकिन बाघ इस सबसे खुश नहीं था, बल्कि उसे तो कुछ और ही चाहिए था। हा, मेरी चालाकी काम कर ही गई। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जल्द ही अपने मकसद में फतह हासिल कर लूंगा। और इस जंगल के जानवर तो बहुत ही मासूम है। वो बेचारे तो मेरी झूठी मोटी बातों में आसानी से आ गए। अब देखो मेरे दिमाग की ताकत। अगली सुबह होती है और वो बाला बाघ छुपते छुपाते जंगल से निकलता है और दूसरे जंगल में जाकर बद्रीनाथ शेर को तलाश करता है और वह उस जंगल का एक एक कोना छान मारता है। लेकिन उसे बद्रीनाथ शेर का कोई सुराग नहीं मिल पाता है और वह जंगल में वापस आने लगता है। तभी अचानक से बाला बाघ की नज़र दूर खड़ी शेरनी पर जाती है। शेरनी को देखकर बाघ खुश हो जाता है और दौड़कर शेरनी के पास जाता है। शेरनी जब बाला बाघ को देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वह डरते डरते बोलती है, अब भाला बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ राजा बद्रीनाथ ने देख लिया तो वो तो ना जाने क्या करेंगे। लेकिन शेरनी आंटी, आप मुझे ये बता दे बस कि मेरी माँ कहाँ है। बेटा, मुझे नहीं पता राजा शेर ने तुम्हारी माँ को कहाँ रखा हुआ है। रानी शेरनी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी माँ का पता बता दो, लेकिन आपने उस दिन भी टाइम मांगा था, पर आपने आज तक मुझे मेरी माँ की खबर नहीं दी। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने दो दिन के अंदर अंदर मेरी माँ का पता नहीं बताया तो फिर मैं भी आपके साथ वही सब करूँगा जो कि आपके पति ने मेरे साथ किया है। बाला बाघ ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। शेरनी बाघ की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आखिर कौन थी इस बाघ की माँ और उसे बद्रीनाथ शेर ने क्यों कैद किया, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले बाघिन एक तपस्वी थी। वो जो भी तपस्या करती थी असल जिंदगी में वो सच हो जाती थी। बाघिन अपने छोटे बेटे के साथ जंगल से दूर एक सुनसान इलाके में रहती थी। बद्रीनाथ शेर उस जंगल का राजा था और वह बहुत ही खतरनाक और बेरहम भी था। बद्रीनाथ शेर को अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो शेरनी को भी खासा पसंद नहीं करता था और हमेशा ही बच्चे ना होने के उसे ताने दिया करता था। शेरनी सालों बीत जाने के बाद भी माँ नहीं बन पा रही थी और वह हर रोज राजा शेर के ताने सुना करती थी। एक दिन एक गाय रानी शेरनी को आकर उस तपस्वी बाघिन के बारे में बताती है। रानी शेरनी जब यह सुनती है तो वह तो सीधा उस बाघिन के पास पहुंचती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी, आप अपने घर जाएं और कल सुबह सवेरे मैं आपके पास एक जड़ी लेकर आऊंगी। आपको उस जड़ी का सेवन करना होगा। मुझे यकीन है आप माँ जरूर बन जाएंगी। अब शेरनी गुफा में वापस आती है
और अगली सुबह सवेरी बागिन अपने बेटे के साथ शेरनी की गुफा में वो जड़ी लेकर आती है। बद्रीनाथ शेर जब बागिन को देखता है और शेरनी उसे बागिन के बारे में बताती है तो वह उससे जड़ी लेता है और शेरनी उस जड़ी का सेवन कर लेती है। अब बद्रीनाथ शेर उस बागिन को अपनी गुफा में ही कैद कर लेता है। अरे शेर अंकल, आपने मेरी माँ को यहाँ क्यों रख लिया? मेरी माँ को जाने दो। अरे तुम जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगा। ये आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इस बागिन ने तो हमारी मदद की है, फिर आप इसके साथ ये सब क्यों कर रही हैं? उस बेचारी का छोटा बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? इसे जाने दो। तुम चुप करके खड़ी रहो, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे जंगल को इस तरह बढ़ावा दे। अगर ये आए दिन ऐसे जानवरों की मदद करेगी तो ना जाने कितने जानवर मेरे सर पर आकर खड़े हो जाएंगे और मेरे लिए ये राजगद्दी मुश्किल बन जाएगी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना यही मार डालूंगा। बाला बाघ जब शेर की दहाड़ सुनता है तो वह तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और राजा शेर बागिन को ऐसे ही कैद किए रखता है। दिन बीतती है और जब शेरनी एक जादुई बच्चे को जन्म देती है तो राजा शेर उस बागिन को ना जाने कहां गायब कर देता है। उसे लगता है कि ये जादुई बच्चा उस बागिन की वजह से उन्हें मिला है और शेरनी के पूछने पर भी शेर उसे बागिन का पता नहीं बताता है। और आज 10 साल बाद जब बागिन का बेटा बड़ा हो जाता है तो वह अपना दिमाग लगाकर बद्रीनाथ शेर के जंगल में घुस आता है। और आज वो शेरनी को वार्न करके जब जंगल लौट रहा होता है तो उसे शेरनी का बेटा जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। शेरनी के बेटे को देखकर बाला बाघ उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले आता है। उधर जब बद्रीनाथ शेर को अपना बेटा गुफा में नहीं मिलता है तो वह तो परेशान हो जाता है और वह उल्टा शेरनी को डांटने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर अपने बेटे को जंगल में ढूंढने निकलते हैं। तब शेरनी को बाला बाघ की बात याद आती है और वह समझ जाती है कि उसने ही उसके बेटे को चुराया है। अब शेरनी बद्रीनाथ शेर को बाला बाघ के आने की बात बताती है और उससे बागिन का पूछती है। तब शेर बोलता है, वो बागिन, उसे तो मैंने मार डाला है, मैं रिस्क नहीं ले सकता था। उस बागिन के पास जादुई शक्तियां थी और जब मैंने उससे मांगी तो उसने मुझे वो शक्तियां देने से मना कर दिया था, इसीलिए मैंने उस बागिन को मार डाला। और अब उसके बेटे की बारी है, अब मैं उसे बताऊंगा मुझसे पंगा कैसे लिया उसने। अब शेर दौड़ता हुआ बाला बाघ के पास जाता है और वहां जाकर वह अपने बेटे को बाला बाघ के पास ही देखता है। अरे ओ चालाक बाघ, तूने क्या समझा? तू मेरे बेटे को उठाकर अपनी माँ को पालेगा, लेकिन अब मैं तेरी माँ को कहाँ से लाऊं? उसे तो मैंने काफी दिन पहले मार दिया था, अब बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर बाला बाघ सुन हो जाता है और वह उस जालिम शेर को वहीं पर मार डालता है। जब तक शेरनी वहां पहुंचती है, बाला बाघ बद्रीनाथ शेर को मार डालता है। शेरनी राजा शेर को मरा हुआ देखकर दुखी होती है मगर खुश भी होती है क्योंकि उसने एक इंसानियत का कत्ल किया था। अब शेरनी और बाला बाघ मिलकर उस जादुई बच्चे की परवरिश करते हैं और बाला बाघ सभी जंगल वासियों को अपना पूरा सच बता देता है। जंगल के सभी जानवर बाला बाघ का साहस देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उसे अपने ही जंगल का राजा बना लेते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।